पूरा वही है एकदम, इतना मेहनत किया हम, अचानक देखे हम लोग इतना खुद से कर रहे हैं। और अब जा रहे हैं मंदिर, जी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। गाइज हम बता नहीं सकते, पता है ये जो अभी सीरीज आया है ना 15, इस सीरीज में देख सकते हो इतना मस्त मेटालिक बोलते हैं ना इसको, व्हाइट नहीं मैट फिनिश है, मैट फिनिश एकदम स्काई का हल्का लिया है व्हाइट में, इतना मस्त है ना। सबसे बढ़िया गिफ्ट था अभी का, सबसे ऑब्वियसली हो सकता है बढ़िया क्योंकि इतना कॉस्टली है। तो कैसे छुपाए हो, एक वीक से नहीं हो गया, 7-8 दिन हो गया। आप रे यार कैसे छुपाए, एक वीक से ज्यादा हो गया, खोल के भी नहीं देखे, खोल के देखे। कौन सा टेक्निक है कि रात को 12 बजे उठाओ फिर केक काटो फिर अभी सुबह के 6 बजे 5:30 बज रहा है और अभी गिफ्ट दो, अभी फिर उठेंगे तो क्या दोगे। बहुत स्पेशल है ना बर्थडे 26 जनवरी। हाँ मेरे लिए मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल होता है, पता नहीं क्यों हमको ऐसा फील होता है मेरा बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, और उस बर्थडे को स्पेशल आप बनाए हो इस बार सबसे ज्यादा, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। I can't say. इसमें इस कलर में लोगों को पता नहीं चल रहा है लोगों का, हाँ बहुत कम दिख रहा, हाँ ये बहुत कम दिखता है इसमें, जाने तो किसी को दिखे ना हमको पता है ना। हमको पता है इसी बात पे, एक चल बेटा सेल्फी ले ले रे। डाल देगी, थैंक यू बुबिया, कैसे पता चला हमको ये पसंद आएगा बहुत। I like it, पता होगा ना तुम्हें तो पता ही होगा। यार और पता है सबसे अच्छा बात क्या था, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है इससे बोल रहे थे क्या, खोलो ना डब्बा से डब्बा 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 ऐसे देंगे और अंदर में एक छोटा सा कुरकुरे देंगे। यार गाइस हम सुबह उठ के प्रणाम कर लिए भगवान जी सबको, और देख सकते हो अनबॉक्सिंग किया हुआ यहाँ पे, अभी 8 बज रहा है और इतना ठंड है कि क्या बताएं। ऑलरेडी हम झाड़ू वगैरह सब लगा लिया फिर बेड में घुस गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं जल्दी से नहाने के लिए और हमको नाश्ता बनाना है और सीधा जाना है मंदिर। तो गाइस चलते हैं मंदिर नाश्ता बनाने के बाद। तो अभी देख सकते हो अभी हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं, पत्ता गोभी का भुजिया और रोटी, तो आटा हम गूंथ लिए हैं और जा रहे हैं भुजिया बनाने, जल्दी से नहाना है हमें। बाहर कुहासा है बहुत, सुबह था अभी कम हो गया। वेल तो हम रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, अभी जल्दी से जा रहे हैं, 10:30 बज गया, अभी तक पूजा भी नहीं की है, तो आज हम येलो साड़ी पहने जो बहुत दिन बाद पहने दिखाते हैं हम, तो ये वाली साड़ी आज हम पहने हैं। देखो जा रहे हैं मंदिर जल्दी से पूजा करके आते हैं, सामने में ही है तो जल्दी से पूजा करके आएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। तो कैसे लग रहे गाइस, वैसे आप लोग जितने भी मेरे YouTube फैमिली हो सब कमेंट करके मुझे विश कर देना यार, क्योंकि इतना टाइम हो गया अभी तक, मतलब आप लोगों को पता होगा कि नहीं मेरा बर्थडे, क्योंकि इससे पहले वाला शायद हम ब्लॉग में डाले नहीं थे, तो विश कर देना। तो गाइस रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर। गाइस तो अभी हम सो के उठे हैं, 4 बज रहा है शाम के, मतलब मंदिर से आए उसके बाद छत पर थोड़ा रील्स वगैरह बनाए, वो तो आप लोग को देखा जाएगा इंस्टा में, उसके बाद खाए और नींद आया कचक का तो सो गया। बीच बीच में फोन भी आ रहा था किसी का मैसेज, तो इतना आ रहा है मतलब कि हम बता नहीं सकते, इंस्टा पे व्हाट्सएप पे कॉल पे सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, उसके बाद शाम का कुछ तो होगा पता नहीं, अभी तक तो हमको कुछ लेके नहीं गए कहीं, आज नहीं जाएंगे हम लोग कहीं, घर पे हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, कब अभी निकले शाम को
तो हम लोग आज शाम को कहीं जाने वाले हैं। Right guys, तो अभी शाम हो गया, 5 बज गया और आज प्रोसेस में बहुत जल्दी लग गए हैं खाना का प्रोसेस में, क्योंकि जल्दी सेलिब्रेट करेंगे, ठंड का मौसम है ना। तो देखिए इधर हम दूध गर्म होने दे दिए हैं, खीर बनेगा, चावल भी निकाल दिए हैं और मटर भी फूलने के लिए दे दिए हैं। ताज़ा मटर है मगर उतना क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए हम सूखा वाला मटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पनीर बनेगा तो पनीर इधर काट रहे हैं, देख सकते हो मेरा हेल्प कर दे रहे कुछ कुछ और आदि बंदर के जैसा नाच रहा है। तो अभी आटा भी हम गूंथ लिए हैं, अभी रोटी बनाएंगे, सबसे पहले खीर बनाएंगे उसके बाद सब्जी बनाएंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं बनाने के बाद फिर रेडी होते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ, आप लोगों को तो हम बताया नहीं थे, ये हमको बोले कि कहीं लेके चलेंगे, तो हम बोले कि ठीक है, कहा तो बोले कि तुम जल्दी से खाना बना लो, इसीलिए जल्दी खाना बना रहे हो, बोले जल्दी से खाना बना लो, फिर कुछ है फिर बताएंगे कहाँ लेके जाना, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोले कि बना के फिर तुरंत रेडी हो जाओ, होते हैं जल्दी। वेल, तो मेरा खीर बन चुका है और रोटी भी हम बना लिए हैं, देखिए आप प्लेट भी साफ कर दिए हैं और सब्जी भी बन गया है मेरा पनीर का। तो अब हम चलते हैं सीधा रेडी होने के लिए। क्या कर रहे हो, रेडी नहीं हुए अभी तक? हो गए रेडी, मतलब निकलना है अभी। हाँ मतलब हो गए हैं, ये क्या मतलब नेल पेंट छूट गया था, कल ही लगाया था ना, थोड़ा सा भी लगा दे रहे हो गया, मतलब हमको ज्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट टाइम दो हम रेडी हो जा रहे। पर कहाँ जा रहे? सीक्रेट जगह, बाहर बहुत ठंडा। हो गए रेडी? हो गए? हाँ हो गए। कैसे लग रहे हो बताओ? अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन जहाँ पे ले जाएंगे ना वहाँ आग बंद करके जाना पड़ेगा, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो फिर ये खराब नहीं होगा, हल्का आग से बंद हो गया, ठीक है। बता नहीं सकते हैं, थैंक यू, मतलब हम सोचे नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि घर में भी इतना अच्छा हो सकता है। और पता है ठंड इतना था कि बाहर जा नहीं सकते थे, सो देखो घर में ही इतना अच्छा सुंदर डेकोरेशन हो गया, मतलब इतना मस्त लग रहा है ना, क्या बोले, मतलब पूरा रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा है, बहुत मस्त। और पूरा सेटअप पूरा वही है एकदम, इतना मेहनत की हम अचानक देखे हम लोग इतना खुद से कर लिए, नहीं तो थैंक यू। पता हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना सुंदर आप सजाओगे, मतलब ऐसा हम सोचते थे कभी कि इतना बड़ा सरप्राइज बर्थडे इतना कभी सेलिब्रेट करेंगे नहीं करेंगे, पर आज इतने खुद हो रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा, इतना प्यारा केक,
इतना सुंदर डेकोरेशन, हर चीज में मजा आ गया। सुबह से मतलब रात के 12 बजे से सब सरप्राइज पे सरप्राइज मिले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो इतना मिला मेरा बर्थडे में कि हम कभी सोचे भी नहीं थे, मतलब इतना अच्छा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा है। डीजे का दिन क्या मैं तो गाइज ये ब्लॉग हम आज शूट कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट डे। कल क्या हुआ ना, एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद लाइट चला गया और वो जो लाइट लगा हुआ था उस पर पार लाइट और LED वो सब, तो वो सब वोल्टेज ज़्यादा खींचता था, तो वो पता ही नहीं था। और हम लोग बर्थडे जब सेलिब्रेट कर रहे थे उससे 1 घंटा पहले ही लाइट चला गया था, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि वो इन्वर्टर से ही मतलब क्या बोलते हैं वो चल रहा है। जब हम लोग सेलिब्रेट कर लिए, फ़ोटो क्लिक कर लिए, थोड़ा सा और हम लोग बस थोड़ा सा और वीडियो वगैरह बाकी ही था कुछ कुछ बनाने का, लेकिन आवाज़ आने लगा इन्वर्टर से, तो हम लोग समझे क्या हो गया, तो जाके देखे तो बंद कर दिया उसको। तो उस वजह से थोड़ा देर रुके, उसके बाद सोचे कि लाइट आ जाएगा तो फिर और फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, मगर लाइट क्या आएगा और आवाज़ करने लगा इन्वर्टर और पूरा घर अंधेरा हो गया सब तरफ। तो फिर वैसे ही फिर खाना खाए और सो गए, कुछ कर ही नहीं पाए। और लाइट भी आया तो आज मतलब इतना तो अब क्या ही कर सकते थे, सब कुछ तो खुल के चला गया है। तो खैर कोई नहीं, हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए और मुझे लगता है कि आप लोग ये ब्लॉग देख के काफ़ी इन्जॉय करोगे। सो थैंक यू सो मच इतना प्यारा ब्यूटीफुल सरप्राइज़ देने के लिए मिस्टर GM जी। और आप लोग कमेंट करना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक वो लोग कर लेना, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब बनेगा iPhone से ब्लॉग। तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट।